हेलो फ्रेंड्स, विशुस किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कोकोनट बर्फ़ी। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। तो इसके लिए हमें चार ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो आम लिए हैं और इसको अच्छे से धो के पोंछ लिया है, और फिर हम इसका पल्प बनाते हैं। तो पल्प बनाते समय हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस आम ही यूज़ करने हैं। तो आप कोई भी आम ले सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है, उसको गर्म होने दिया, और एक कटोरी मैंने यहाँ पे आम का पल्प लिया है। तो हम इसको लगातार चलाते जाएंगे। आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गाढ़ा होने तक अच्छे से चलाते जाइए। अभी ये 5 मिनट बाद अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें अभी एक कटोरी मलाई ऐड करते हैं। तो ये जो मलाई है ना, मैंने ये घर पे ही स्टोर करके बनाई है। तो लगभग एक कटोरी मलाई इसमें आप ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से चलाइएगा जब तक मलाई अच्छे से मिक्स ना हो जाए। देखिए, अभी मलाई अच्छे से मिक्स हो रही है और कहाँ पे भी लम्स नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अभी ये अच्छे से मिक्स हुआ है, तो आप तब तक इसको चलाइएगा जब तक ऑयल ना छूटे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कटोरी शुगर ऐड कर लेंगे। देखिए, साइड में बहुत सारा ऑयल छूट गया है। तो अभी हम ये शक्कर भी मिला लेंगे और इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी ये शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गई है। लगभग 5 मिनट मैंने इसको चलाया है और ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो ये अभी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो हम इसमें लगभग 2.5 कटोरी के आसपास कोकोनट ऐड करेंगे। कोकोनट आपको बाज़ार में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रश कोकोनट इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा थोड़ा कोकोनट ऐड करके इसको अच्छे से चलाइएगा। तो इस प्रोसेस में कोकोनट अच्छे से भुन भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा। तो लगभग 2 से 3 मिनट में ये प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट लग रही है। तो अभी ये रेडी हो चुका है, तो हम इसको सर्विंग प्लेट में डालते हैं और इसको अच्छे से प्लेन कर लेंगे। ये प्लेन करने के लिए आप या तो चम्मच यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लेन बेस कटोरी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी ये अच्छे से प्लेन हो चुका है, तो हम इसकी साइड्स भी सेट कर लेते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे 4 से 5 बादाम चॉप करके रखे थे, तो वो भी मैं इसमें यूज़ कर देती हूँ। और चम्मच के यूज़ से आप इसको अच्छे से सेट कीजिएगा। तो देखिए अभी मेरे बादाम भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो हम इसको 30 मिनट तक साइड में छोड़ देंगे और इसको अभी कट कर लेते हैं। तो अभी हमारी मैंगो कोकोनट बर्फ़ी रेडी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।